हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन का जो पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर नंबर दो थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का यूनिट नंबर टू आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूं द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर ठीक है उसको आगे हम करेंगे सबसे पहले कि नेचर ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स क्या होती हैं द टर्म वॉन्ट्स रेफर टू विश डिज़ायर और मोटिव टू ओन गुड्स एंड

सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वांट्स आर अनलिमिटेड इन नंबर एंड ऑल वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड तीसरा वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी सम आर अर्जेंट सम आर आर नॉट अर्जेंट। वांट्स अ पर्टिकुलर वांट मे बी सेटिस्फाइड इन अल्टरनेटिव वेज उसके बाद है वांट्स आर सब्जेक्टिव इन रिलेशन इन रिलेशन ठीक है रिलेशन एंड रिलेटिविटी आना था यहाँ ठीक है वो ठीक लिखा हुआ था वॉन्ट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव रिलेटिव भी होती हैं एक दूसरे के साथ रिलेट होती हैं ठीक है जुड़ी होती है वॉन्ट्स आर अफेक्टेड बाई इनकम टेस्ट एंड प्रेफरेंस या फे फैशन एटसेट्रा ठीक है जी तो गाइज इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ड्स क्या वो आपको अच्छी तरह पता है कि वो होती है जहाँ तो नेसेसरीज हैं नेसेसरीज जिसको बोलते हैं कंफर्ट्स हैं और लग्जरीज तीन तरीके से हम अपनी वॉन्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अब हम आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है यूटिलिटी सो वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी अ कमोडिटी हैज़ यूटिलिटी फॉर अ कंज्यूमर इवन इट इज नॉट कंज्यूम्ड यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस फार्मुलेटेड बाई अल्फर्ड मार्शल सीक्स टू एक्सप्लेन हाउ अ कंज्यूमर चूजेज टू स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस सो एज टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी

टोटल यूटिलिटी इज अ सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी तो उसका फॉर्मूला बनेगा ठीक है उन सब की मार्जिन यूटिलिटी को आप ऐड करते जाओगे जितने भी यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं तो वो क्या आ जाएगा टोटल यूटिलिटी और उसके बाद हम गाइस अब आगे डिस्कस करते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है सो मार्जिन यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंज़म्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन एथ आइटम इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन एथ आइटम माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन ठीक है और एजम्पन्स क्या है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस की कंज्यूमर शेल बी रैशनल मेजर्स इन कार्डिनल नंबर अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस टेस्ट एंड इनकम एंड अदर्स एटसेट्रा रिमेन कॉन्स्टेंट यूनिट्स कंज्यूम्ड शेल भी स्टैंडर्ड क्वान्टी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्ज द तो guys, अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होता है लॉ मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड और सर्विस कंज्यूम्ड एडेड लेस टू द टोटल यूटिलिटी दैन द प्रीवियस यूनिट इज बेस्ड ऑन एन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वाइल टोटल वांट्स ऑफ पर्सन आर वर्चुअली अनलिमिटेड ईच सिंगल वांट इज कैपेबल ऑफ बींग सेटिस्फाइड because this law describes a very fundamental tendency of the human nature in simple words it says that as a consumer consumes more unit of a good the extra satisfaction that he derives from the extra unit of the good goes on falling it is to be noted that it is marginal utility and not the total utility when declines with the increase in the consumption of the ऑफ़ ए गुड ठीक है जी तो अब हम इसका डिस्कस करेंगे स्केड्यूल और डायग्राम मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे इसका स्केड्यूल है ये देखिए ठीक है जी गाइज ये है इसका टेबल बन रहा है इसका स्केड्यूल यूनिट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वो कंज्यूम करे टोटल यूटिलिटी दस है अठारह चौबीस अट्ठाईस ठीक है तीस तीस अट्ठाईस चौबीस और अठारह और उसके बेसिस पे ये देखिए उसकी यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी कम होती जा रही है एज ही कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स ठीक है वो उसकी डिक्रीज हो मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है कम होती जा रही है ना ठीक है तो पहले मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिवली ठीक है फॉल्स पॉजिटिवली टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है जब तक उसके बाद वो ज़ीरो आ गई जहाँ पर टी यू आपका मैक्सिमम हो गया और कॉन्स्टेंट हो गया ठीक है यहाँ पे मैक्सिमम है ना इसके बाद अब कम होना शुरू हो जाएगा मार्जिन यूटिलिटी सो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम टी यू डिक्रीज तो अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी डायग्राम ये बने ठीक है जी दोनों की डायग्राम ये रही टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की यहां पे ये देखिए टोटल यूटिलिटी ये पहले बढ़ रही है फिर ये कम हो जाएगी इसी स्केड्यूल को स्केलिंग करके आपने यहां लेना और नीचे उसी के बिल्कुल पैनल पे वाई <coughs> एक्सिस पे मार्जिन यूटिलिटी शो कर देनी है और जहाँ पे ये टी यू मैक्सिमम होगा यहाँ वहाँ पे ये एम यू जीरो पर आ जाएगा और जैसे ये डिक्लाइन करना शुरू कर देगा तो ये नेगेटिव की तरफ चला जाएगा गाइस ठीक है जी तो गाइस ये आपने प्लस वन में बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है एक बार बस रिविजन के फॉर्म में ही आपको ये करना है तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये बहुत ईजी और सिंपल फॉर्मेट है ये हो जाएगा आपसे चलिए अब हम आगे नोट की बात करते हैं करते हैं इट इज़ एडवाइज दैट यू शुड लर्न द टेंडेंसी ऑफ चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी हयर मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स एज इट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही लॉ ये अप्प्लीकेबल हो रहा है उसी की वजह से एम यू कम हो रही है टी यू कैन बी कैलकुलेटेड एट टी यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम यू ठीक है जी तो गाइज अब आगे हम किसको डिस्कस करेंगे आगे हम बात करेंगे लिमिटेशंस की लिमिटेशन क्या है लिमिटेशन आर बेस्ड ऑन द कार्डिनल नंबर्स प्रैक्टिकली भी डोंट मेजर

सो दिस लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल ये यूनिवर्सल नहीं है सब पे अप्लीकेबल नहीं होता और अब हम इसकी अगर एक्सेप्शन की बात करें तो वो क्या है प्रेस्टिजियस गुड्स पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता हॉबीज पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता आर्ट एंड पेंटिंग पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता हैबिट्स पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता और मिजरली पीपल मतलब कंजूस व्यक्तियों के ऊपर भी ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता तो गाइज ये छोटा सा चैप्टर था पोर्शन था यह छोटा सा पोर्शन अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए और वीडियोज़ देखते रहिए ओके जी गुड लक